गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में हम अपने बालों को किस तरह से चिपचिपाहट से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बालों में पसीने की वजह से चिप चिप रहेगी तो बालों का झड़ना लाजमी है। बाल झड़ते रहेंगे और जो बाल सिर पे हैं वो भी टूट जाएंगे और जो नए बाल आने हैं वो उसकी तो भूल ही जाइए। तो किस तरह से हम अपने बालों की सफाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगी। जैसे आप घर में कोई भी ऑयल आपका है, जो भी आप यूज़ करते हैं, नारियल का यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, बादाम तेल यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, उसको हमने किस तरह से तैयार करना है, कैसे हमने नेचुरल तरीके से तेल को तैयार करना है, अच्छी तरह से परफेक्ट ऑयल बनाना है गर्मियों के लिए, जो समर सीजन में हमारे बालों को झड़ने से रोक सके। और हाँ दोस्तों, ये तेल आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाना है, अच्छी तरह से लगाकर मसाज करनी है ताकि ये तेल आपकी स्किन के अंदर जाए और अच्छी तरह से इफेक्ट जो है वो दे पाए। अगर रात को आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत बेस्ट है, पूरी रात इसे लगा के रखें, सुबह अपने बालों को वॉश करें, बालों का झड़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वीक में 2 से 3 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। और हाँ, टीनेजर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बालों में बहुत अच्छा शाइन भी आप देख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस ऑयल को हमने बनाना कैसे है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बालों को काला करने के लिए, बालों को नेचुरल तरीके से अगर शाइन चाहते हैं बालों में, तो उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं नारियल का तेल। हम लेंगे सबसे पहले 1 चम्मच नारियल का तेल, जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से डालेगा। मैं अपने बालों को अच्छी तरह से अपनी जड़ों में डालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है नारियल का तेल। नारियल के तेल से बालों की लेंथ तो लंबी होती ही है, उसके साथ साथ हमारे बालों में बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है, हमारे बालों की स्किन में जाके काम करता है, स्किन को सूद एंड सॉफ्ट रखता है, बालों को हेल्दी बनाता है। अगर आप कोई और बादाम का तेल या कोई और तेल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पर नारियल का तेल मतलब हर घर में मिल जाता है, सो दैट्स वाई मैंने नारियल का तेल ही लिया है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 2 बूंदें एसेंशियल ऑयल की। यह है दोस्तों जास्मिन एसेंशियल ऑयल। इसकी 2 बूंदें बहुत अच्छा काम करती हैं बालों में से डैंड्रफ को गायब करने में। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बूंदें जो है वो इस एसेंशियल ऑयल की इसके अंदर डालूंगी। तो हमेशा इसको इस तरह से अगर आप करेंगे तभी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, अगर इस तरह से रखेंगे इस एसेंशियल ऑयल को तो कभी भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट जो है इसके अंदर से कुछ ड्रॉप्स हमने नारियल के तेल में डाल ली हैं। तो अगला थर्ड प्रोडक्ट जो है वो दोस्तों है विटामिनी कैप्सूल। विटामिनी कैप्सूल बहुत सस्ता पड़ जाता है तो आप ये ज़रूर अपने पास रखें, स्किन और बालों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मैंने एक जो कैप्सूल है वो लिया है, इसके अंदर एक छोटा सा होल करके सारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर का सारा ऑयल मैं इस नारियल के तेल में मिक्स कर लूँगी। इससे स्किन सूद होती है, बाल लंबे घने होते हैं, मजबूत होते हैं, बालों की ड्राइनेस ख़त्म होती है, बालों में जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है वो ख़त्म होता है, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होता है। तो खैर, ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वेल, अभी यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर क्या करने वाला है वो भी बता देती हूँ। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, और हाँ ये रॉ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कहीं होता है ना पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये रॉ है, मतलब इसके अंदर सभी गुडनेस है, कोई भी गुडनेस इसके अंदर से निकाली नहीं गई है। तो मैंने ये न्यूट्रेंट लाइफ का एप्पल साइडर विनेगर लिया है। तो अब ये जो लाइक मेरा जो DIY है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूंगी जिससे मेरी रेमेडी बन के रेडी होगी। अब मैं बताती हूँ एप्पल साइडर विनेगर करता क्या है। एप्पल साइडर विनेगर की मदद से हमारे बालों में बहुत अच्छा शाइन आता है। कुछ लोग बोलते हैं मैम हमारे बाल बहुत ड्राई से रहते हैं, बहुत गंदे खुरदले हैं, टच करते हैं तो ऐसे लगता है रस्सियों को टच कर लिया, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बालों में दूर से शाइन अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कई लोग ना ट्रीटमेंट करवाते हैं, बाल स्ट्रेट करवा लिए, सूद करवा लिए, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा लिया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि बालों के अंदर कितना शाइन आता है ना, वो केमिकल की वजह से शाइन आता है। अगर वैसा ही सेम शाइन आपको चाहिए घर की कुछ चीज़ों की मदद से, तो आप ये वाला नुस्खा ट्राई करें। ये नुस्खा आपके बालों में बहुत अच्छा शाइन लेकर आएगा, बाल घने होंगे, लंबे होंगे, बालों में से डैंड्रफ गायब होगा, बाल नेचुरल तरीके से काले भी होंगे, और बालों में बालों के जो टूटने का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये रेमेडी जो है वो हेयर फॉल के ऊपर है। अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और
बहुत ज्यादा बालों में शाइन नहीं है, बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो ये नुस्खा दो चीजों पे सबसे ज्यादा काम करने वाला है। एक तो बालों में शाइन लेकर आने में, दूसरा जो है बालों को झड़ने का जो प्रॉब्लम है, रूसी का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में। तो इस तरह से आपने सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और ये DIY जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो रेमेडी है वो बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी, बालों की रूट्स तक आपने इसे प्रॉपरली लगाना है, बालों में लगे ना लगे सिर्फ रूट्स पे जरूर लगाना है। आपने नारियल का तेल अपने बालों की लेंथ के हिसाब से डालना है और ये आपने रेमेडी जो है वीक में 3 बार या 2 बार तो जरूर करनी है। इससे बाल में बहुत अच्छा शाइन आता है, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, बालों कहते हैं ना मुरझा गए, जैसे कि हम प्लांट्स में पानी डालते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो पानी देने के लिए आप इसका जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल घने लंबे मजबूत और शाइनी हो जाएं। तो जरूर ट्राई करें, अगर ये नुस्खा पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, ये DIY आपको अच्छा लगा है, तो आपको पता है ना यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगी और आपसे मेरा वीडियो मिस हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपके साथ नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।